वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग लद्दाख में। लद्दाख या जिसे मोस्ट कॉमनली हम लेह लद्दाख कहते हैं, ये पूरे भारत की एक बहुत ही अनोखी और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो लद्दाख में घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं, मगर इन सभी खूबसूरत जगहों का सफर शुरू होता है लेह टाउन से। लेह टाउन पूरे लद्दाख का सबसे बड़ा टाउन होने के साथ साथ घूमने के लिए भी एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे लेह टाउन के आसपास लोकेटेड कुछ बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस के सफर पर। इनमें से आधी लोकेशंस लेह टाउन के अंदर ही लोकेटेड है, तो बाकी लोकेशंस लेह टाउन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं। इस वीडियो में बताई गई लोकेशंस को विजिट करने के लिए आपको किसी टाइप के इनर लाइन परमिट को ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है और आप इन्हें फ्रीली विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। लेह पहुंचने के लिए मोस्ट कॉमन दो रास्ते हैं, या फिर हम मनाली से आ सकते हैं या फिर श्रीनगर वाली साइड से। ये लेह टाउन का मॉल रोड है और ये पूरे लद्दाख की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आपको हर टाइप की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। लेह जॉइंट कैपिटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, और पुराने टाइम में ये कैपिटल हुआ करती थी हिमालयन किंगडम ऑफ लद्दाख की। लेह टाउन की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ का एंशियंट कल्चर लेह को बहुत ही खास जगह बना देते हैं। और आप भी जब लेह आएंगे तो एक खास चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो है यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर। लेह के सभी घर और होटल सभी आज भी लद्दाखी आर्किटेक्चर से ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लेह टाउन में जो आप सबसे पहली जगह विजिट कर सकते हैं वो है जोरावर फोर्ट। जोरावर फोर्ट लेह के मॉल रोड से लगभग 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है और आप यहां पर अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। जोरावर फोर्ट डेडिकेटेड है जनरल जोरावर सिंह को। जोरावर फोर्ट में आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ का लाइट एंड साउंड शो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जोरावर फोर्ट की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। लेह टाउन में जो आप अगली जगह विजिट कर सकते हैं वो है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह टाउन के मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। शांति स्तूपा की कंस्ट्रक्शन 1983 में शुरू हुई थी और 1991 में कंप्लीट हुई थी। और शांति स्तूपा की कंस्ट्रक्शन बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कराई गई थी। शांति स्तूपा की कंस्ट्रक्शन दो लेवल्स पर की गई है और इसमें अलग अलग डिपिक्शंस हैं, जैसे कि महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र और बर्थ। शांति स्तूपा से हमें लेह टाउन के भी बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और इसकी लोकेशन जो कि लेह सिटी से बहुत नज़दीक है, ये इसे एक मस्ट विजिट प्लेस बना देती है। शांति स्तूपा के साथ एक बौद्ध गोम्पा भी है और आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। शांति स्तूपा से लगभग 1.4 किलोमीटर दूर लोकेटेड है लेह पैलेस, और लेह पैलेस अगली जगह है जो आप लेह टाउन में होकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप लेह टाउन के सेंटर में लोकेटेड वॉकिंग वॉन्डर अप्रूव्ड स्टे बुक करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेह मॉल रोड से अगर आप लेह पैलेस की तरफ वॉक करना शुरू करेंगे तो आपके रास्ते में ओल्ड लेह टाउन आएगा।
ईयर 2008 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट ने ओल्ड ले टाउन को 100 एंडेंजर्ड साइट्स में शामिल किया और उसके बाद वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने इसे रिस्टोर और प्रिजर्व करने का काम शुरू कर दिया। कुछ मिनट की वॉक के बाद आप पहुंच जाएंगे लेह पैलेस। लेह पैलेस की कंस्ट्रक्शन सन 1600 में की गई थी। लेह पैलेस की बिल्डिंग एक 9 मंजिल ऊंचा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर उस टाइम के लद्दाख के राजा रहा करते थे और लेह पैलेस की लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से वो अपने पूरे शहर पर नजर रख सकते थे। कंस्ट्रक्शन के इतने साल बाद भी लेह पैलेस की बिल्डिंग आज भी उसी स्ट्रेंथ से खड़ी हुई है। लेह पैलेस से कुछ और ज्यादा हाइट पर लोकेटेड है सीमो मोनेस्ट्री और लेह पैलेस से कुछ मिनट वॉक करके आप सीमो मोनेस्ट्री पहुंच सकते हैं। पूरी लेह सिटी के अगर आप बर्ड्स आई व्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए सीमो मोनेस्ट्री बेस्ट जगह है। सीमो मोनेस्ट्री से हमें लेह सिटी के बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। तो अगली जगह जो आप लेह के आसपास विजिट कर सकते हैं वो है शे पैलेस और शे मोनेस्ट्री। शे पैलेस और शे मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए आपको लेह टाउन से लगभग 15 किलोमीटर ड्राइव करना होगा मनाली लेह हाईवे पर। शे पैलेस की कंस्ट्रक्शन किंग देलदेन नामग्याल द्वारा 1655 एडी में करवाई गई थी और ये लद्दाख की समर कैपिटल हुआ करता था। शे पैलेस कॉम्प्लेक्स में शे पैलेस के साथ साथ शे मोनेस्ट्री भी लोकेटेड है। शे गोम्पा की सबसे खास बात है इसके अंदर लोकेटेड लॉर्ड बुद्धा का 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा स्टैच्यू जिसे शाक्यमुनि बुद्धा स्टैच्यू भी कहा जाता है। इस स्टैच्यू की खास बात यह है कि इस स्टैच्यू की कंस्ट्रक्शन कॉपर का यूज करके की गई है और इसका टॉप पार्ट सारा गोल्ड प्लेटेड है। शे पैलेस से हमें शे विलेज के बहुत ही खूबसूरत नजारे भी देखने को मिल जाते हैं। शे पैलेस को विजिट करने के बाद अगर आप लगभग 4 किलोमीटर मनाली हाईवे पर और ड्राइव करें तो आप पहुंच जाएंगे थिक्से मोनेस्ट्री। थिक्से मोनेस्ट्री पूरे सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है ल्हासा में लोकेटेड पोटाला पैलेस को। थिक्से मोनेस्ट्री विजिट करने के लिए आपको एक एंट्री टिकट भी लेना होगा जिसकी कॉस्ट लगभग 50 रुपीज के आसपास है। थिक्से गोम्पा का स्ट्रक्चर 12 मंजिल ऊंची बिल्डिंग की स्ट्रक्चर से बना हुआ है और यहां पर आपको एक वैरायटी देखने को मिल जाएगी अलग अलग स्तूपास स्टैच्यूज और बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स की। थिक्से गोम्पा बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी है और यहाँ पर थिक्से महोत्सव होता है जो 2 दिनों तक चलता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। थिक्से गोम्पा की दीवारों पर आपको बहुत सी एंशियंट वॉल पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश लिखे होते हैं। थिक्से मोनेस्ट्री एक और चीज के लिए फेमस है जो कि है यहाँ से दिखने वाले व्यूज। जब आप थिक्से मोनेस्ट्री के टॉप फ्लोर्स पर जाएंगे तो वहां से आपको पूरे वैली के बहुत ही वाइड व्यूज देखने को मिलेंगे और ये मोनेस्ट्री इंडस वैली में लोकेटेड है। अगली लोकेशन जो हम लेह में विजिट कर सकते हैं वो है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन्ड एक म्यूजियम है जो कि हमें याद दिलाता है हमारे देश के वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपनी जान तक दे दी थी इस देश की सुरक्षा के लिए।
हॉल ऑफ फेम लेह टाउन से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल हाईवे पर लोकेटेड है। हॉल ऑफ फेम को विजिट करने के बाद अगली लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल पहुंचने के लिए आपको लेह कारगिल हाईवे पर ही लेह टाउन से लगभग 30 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। मैग्नेटिक हिल एक ऐसी जगह है जो ग्रेविटी को डिफाई करती है। अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी चढ़ाई की ओर खुद ही चल रही है। इसीलिए इस जगह को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है और ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक और जगह जो आप लेह के अराउंड विजिट कर सकते हैं वो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से मैग्नेटिक हिल के रूट के बीच में ही पड़ता है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब की ये मान्यता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी तपस्या कर रहे थे और एक राक्षस ने उन पर पहाड़ के ऊपर से चट्टान गिरा दी। वो चट्टान जब गुरु नानक देव जी को टकराई तो वो मोम की बन गई और उस पत्थर पर गुरु नानक देव जी के शरीर के निशान भी पड़ गए और वो पत्थर आप आज भी गुरुद्वारा पत्थर साहिब में देख सकते हैं। तो ये हमारी इस वीडियो का एंड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।